नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो चीज़ें जानेंगे। पहला, जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म 678 वोट लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, सुधार करवाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए, तो उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपको अलग अलग कॉलम मिलते हैं, जैसे फॉर्म सबमिटेड, BLO अपॉइंटेड, तो उसमें कितना समय लगता है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उसमें कितना समय लगेगा, कौन सी स्टेप में कितना टाइम लग सकता है और डिले होने का क्या कारण हो सकता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है जीत चौधरी, आप देख रहे हैं इलेक्शन गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जब आप पहली बार वोटर हेल्पलाइन ऐप पे या किसी भी पोर्टल से फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, आप इसे नोट करके रखें क्योंकि इसी से आप अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिला तो इसका मतलब यही है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। सो इसे चीज़ श्योर कर लें कि आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाए। जब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है आवेदन करने के बाद, तो आप उससे फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर्म स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग अलग पोर्टल हैं, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप मोबाइल पे वोटर हेल्पलाइन ऐप में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऐप को ओपन करें, ओपन करने के बाद नीचे की साइड में एक्सप्लोर पे आपको क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद एक लंबी लिस्ट ओपन होती है जिसमें से आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको अपने रेफरेंस नंबर फिल करने हैं और ट्रैक स्टेटस के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इससे आपके फॉर्म का स्टेटस दिखाई दे जाएगा कि वो सबमिटेड में है या नहीं। लेकिन जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस टाइम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान ये रखनी है, जैसे आप अगर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अपने रिलेटिव का एपिक नंबर या मतदाता पहचान पत्र संख्या जिसे कहते हैं हम, वो आप अच्छे से ज़रूर फिलअप करें। मैं सजेस्ट करूँगा, आप अगर आपकी सीरीज लंबी है जिसमें एक से ज़्यादा स्लैश लगे हैं तो आप स्लैश यूज़ करें एपिक नंबर में। अगर केवल एक ही स्लैश है आपके एपिक नंबर में तो वो स्लैश यूज़ ना करें। जैसे मान लीजिए AYG और आगे डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं तो आप AYG स्लैश का यूज़ नहीं करेंगे, AYG 1234 इस टाइप से आप अपना एपिक नंबर फिलअप करेंगे फॉर्म भरते समय। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये एपिक नंबर स्लैश के साथ लगा देते हैं या फिर गलत फिलअप कर देते हैं तो आपका फॉर्म BLO अपॉइंट होने में समस्या रहेगी, सही जगह अलॉट नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी है। दूसरा चीज़, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं उसके अलग अलग स्टेटस हैं। फॉर्म सबमिट होते ही जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको फॉर्म सबमिटेड हरे रंग में टिक का निशान दिखाई देगा, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिशन के दौरान अगर आपके एपिक सही हैं तो काफ़ी बार आपका फॉर्म ऑटोमेटिक ही BLO अपॉइंटेड हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो 2 से 3 दिन के समय में, अगर वर्किंग होलीडे नहीं है तो 2 से 3 दिन में आपका फॉर्म BLO अपॉइंटेड की प्रोसेस में चला जाता है। और ये काम होता है ऑफिस से, ऑफिस के एम्प्लॉय इस काम को करते हैं। अगर BLO अपॉइंटेड नहीं हो रहा तो इसका सीधा सा मतलब है आपके जो नज़दीकी इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पे जो एम्प्लॉय बैठते हैं वो आपके फॉर्म को BLO अपॉइंट नहीं कर रहे, या फिर आपके नहीं, जितने भी आवेदन हैं उन सभी को वो BLO अपॉइंट नहीं कर रहे। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, आपका एड्रेस सही नहीं है या फिर एपिक नंबर वगैरह की दिक्कत है, इन चीज़ों से आपका फॉर्म BLO अपॉइंट होने से डिले हो सकता है। दूसरा, जब आपका फॉर्म BLO अपॉइंटेड ग्रीन टिक आ जाता है, इसका मतलब आपका फॉर्म आपके भाग के जो BLO हैं, यानी आपके नज़दीकी गांव के, शहर के, आप जहां रहते हैं वहां प्रत्येक जगह के BLO बूथ लेवल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, उसके पास आपका फॉर्म आ जाता है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, तो वो वेरीफाई करते हैं कि ये मतदाता उसके भाग में रहता है या नहीं, उसका एड्रेस पता सही है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद BLO अपनी ऐप पे या फिजिकल रूप से रिपोर्ट करते हैं, और जब वो रिपोर्ट कर देते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट की, तो वो फॉर्म वापस से ऑफिस में चला जाता है ऑनलाइन ही, तो वहाँ आपको स्टेटस चेक कराएगा फील्ड वेरीफाइड। जैसे ही BLO रिपोर्ट कर देगा तो आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है, वहाँ हरे रंग का टिक का जो निशान है वो फील्ड वेरीफाइड के ऊपर दिखाई देगा।
इसका मतलब BLO ने अपनी रिपोर्ट कर दी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट की। इसके बाद वापस ऑफिस में उस फॉर्म को चेक किया जाता है कि BLO ने इसमें क्या रिमार्क लिखा है और क्या डॉक्यूमेंट इसके हैं। दोबारा से उसे एक बार चेक किया जाता है और अगर आपका फॉर्म ठीक है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज़ की आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या फिर आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपको स्टेटस में मिल जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो चुका है या नहीं। ये सारी प्रोसेस आपको 15 दिन का टाइम इसमें होता है, 15 दिन तक लगभग हो जाती है। अगर इसमें कहीं पे भी डिले होता है तो उसका रीज़न है कि आपके नज़दीकी जो ऑफिस में एम्प्लॉय हैं वो उस पर काम नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है पोर्टल वगैरह के कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपका फॉर्म डिले हो रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है आपका फॉर्म आपके हिसाब से, यानी कि एक महीने से भी ज़्यादा लग रहा है, 15-20 दिन से ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के अंदर कंप्लेंट करने का ऑप्शन है, वहाँ आप जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं अपने रेफरेंस नंबर के साथ कि ये मेरे रेफरेंस नंबर है और मेरे फॉर्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। सो वो आप कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।